हेलो दोस्तों, चलिए अब हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफडब्ल्यू टेलर। तो जैसे कि अभी हमने पिछली वीडियो में एफडब्ल्यू टेलर के बैकग्राउंड और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बातें की, तो अब हम एफडब्ल्यू टेलर के जो फोर प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बातें करेंगे। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा है हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वन टू हिज और हर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोस्पैरिटी। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक एक प्रिंसिपल को डिटेल में समझने के लिए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इसमें टेलर ने क्या कहा है? टेलर ने कहा है कि देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जॉब in order to replace the old rule of thumb approach or hit and miss method। टेलर ने बहुत स्पेसिफिकली इस प्रिंसिपल के बारे में ये बात कही कि कोई भी काम करने के लिए उस काम से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं उस काम के हर एलिमेंट की एक साइंटिफिक इंक्वायरी और साइंटिफिक स्टडी होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर उन्होंने फोकस किया इस बात पे कि काम करने के जो पुराने तरीके हैं उन पुराने तरीकों को बिल्कुल रिप्लेस किया जाए और साइंटिफिक स्टडी के साथ जॉब के हर एलिमेंट को एनालाइज किया जाए और एक बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ टास्क के फाइंड आउट किया जाए। सो वी शुड बी कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग टू डेवलप न्यू टेक्निक्स विच मेक्स द वर्क मच सिंपलर, इजियर एंड क्विकर। तो इसीलिए काम से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक प्रॉपर एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टेंटली हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए काम को करने के नए नए तरीकों के लेकर, ताकि काम को काफी इजी बनाए, सिंपली बनाए और क्विक बनाए। तो साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू वर्क स्टडी, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिस एंड डेवलपिंग द स्टैंडर्ड। तो साइंटिफिक मेथड क्या कहता है कि जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है उनका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें थ्रू वर्क स्टडी, मीन्स जो भी काम है उस काम से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस हम यूनिफाई करें और बेस्ट स्टैंडर्ड डेवलप करें या मेथड डेवलप करें किसी भी काम को करने के लिए। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब वाले प्रिंसिपल ने, टेलर ने इस बात पे जोर दिया है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है रूल ऑफ थंब वाला हिट एंड ट्रायल जो मेथड रहेगा उसे रिप्लेस करना है और हमें एक जॉब और वर्क से रिलेटेड जो बेस्ट सूटेबल मेथड हो उसे साइंटिफिक इंक्वायरी और एनालिसिस के साथ फाइंड आउट करना चाहिए। तो ये था हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब हम बात करेंगे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी मींस कि पीस, डिस्कॉर्ड मींस झगड़े। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब तक अगर पीस नहीं होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन नहीं होगा अमंग्स मैनेजर एंड वर्कर, डेफिनेटली जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको क्लियरली अचीव नहीं किया जा सकेगा। सो टेलर ने फैक्ट्री में रहकर जो वर्कर्स और मैनेजर्स हैं उनके रिलेशंस को बहुत अच्छे से समझा और इस प्रिंसिपल को डेवलप किया, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, व्हिच इंप्लाइज दैट कि देयर शुड बी मेंटल रेवोल्यूशन, मींस देयर शुड बी अ कंप्लीट चेंज इन द मेंटल आउटलुक अमंग्स मैनेजर एंड द वर्कर in order to respect each other role and eliminate any class conflict to realize organizational objective। so harmony not discord में टेलर ने इस बात पर स्ट्रेस डाला कि भी मैनेजर और जो वर्कर्स होते हैं उनका जो रिलेशनशिप है वो काफी पीसफुल होना चाहिए, दोनों मैनेजर और वर्कर्स को एक दूसरे के रोल को बहुत अच्छे से समझना चाहिए और कोई भी अगर मन मुटाव उन दोनों के बीच में है तो उसे एलिमिनेट करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और गोल को बहुत इजीली अचीव किया जा सके। सो टेलर एम्फेसाइज दैट कि देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। तो ये कहते हैं कि जब तक अगर पीस नहीं होगा, अगर कोऑपरेशन नहीं होगा मैनेजर और वर्कर में, सो डेफिनेटली वहां पर लूप होल्स रहेंगे और कोई भी काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो टेलर इसी बात पे जोर देते हुए कह रहे हैं कि देयर शुड बी अ कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर, बोथ शुड रियलाइज दैट ईच अदर वन इज इंपॉर्टेंट। दोनों को रियलाइज करना चाहिए कि यहाँ पे मैनेजर भी इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ वर्कर्स भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल,
The main objective of worker is to earn more, whereas the objective of management is to produce maximum. Instead of discord of each other objective, workers can earn more by producing more, which will help in maximization production also. तो इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की बात की गई है कि दोनों जो मैनेजर और वर्कर है वो एक दूसरे के रोल को अच्छे से समझे, एक दूसरे के साथ मिलके काम करे, तभी प्रोडक्शन भी मैक्सिमाइज होगा और दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी फुलफिल हो पाएंगे। तो ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब हम बात करेंगे लास्ट प्रिंसिपल हमारा, थर्ड प्रिंसिपल, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन मतलब सहयोग, इंडिविजुअलिज्म मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना। तो ये प्रिंसिपल एक्सटेंशन है प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का, जिसके अंदर इस बात पे जोर दिया गया है कि दोनों मैनेजर और वर्कर एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझे विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन और पीसफुली वर्किंग करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑल दी एक्टिविटीज डन बाय द डिफरेंट पीपल मस्ट बी कैरिड ऑन विद अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन के साथ काम करना चाहिए, सहभागिता के साथ काम करना चाहिए मैनेजर और वर्कर को। वहां पर जो कंपटीशन की फीलिंग है दोनों के बीच में, उसको रिप्लेस करना है विद द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, बिकॉज बोथ मैनेजर एंड वर्कर आर इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। टेलर हैज सजेस्टेड दैट मैनेजर एंड द वर्कर शुड जॉइंटली डिटरमाइन स्टैंडर्ड। जब प्लानिंग की जाएगी, डिसीजंस लिए जाएंगे, तो जो वर्कर और मैनेजर हैं वो दोनों साथ बैठ के जो प्लानिंग है, जो डिसीजंस है वो ले सकें। This increases involvement and thus in turn increases responsibility. In this way we can expect miraculous result. तो ये कहता है कि दोनों मिलजुल कर decision making करें, जब दोनों की involvement एक साथ रहेगी तो definitely जो result होंगे वो बहुत miraculous रहेंगे। Management should always welcome constructive suggestions from worker, but should also reward them for their suggestions which result in substantial reduction in the cost. और F.W. Taylor ने इस बात पे भी बहुत अच्छे से जोर दिया है कि अगर कोई वर्कर सजेशंस देता है, उसको अच्छी नॉलेज है, तो अगर वो किसी टॉपिक या वर्क या जॉब से रिलेटेड कोई अच्छे सजेशन देता है और उस सजेशन से हमारे बिजनेस को काफी अच्छा फायदा होता है, तो उस वर्कर को हमें रिवॉर्ड देना भी बहुत जरूरी है। सो इन अ क्रक्स हम ये कह सकते हैं कि इन बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर देयर शुड बी अ फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन instead of the competition. Both should realize ki both are important to the organization and both should sit together for taking decisions for the future activities. There should be an almost equal division of work and responsibility between worker and management. It means kya hai ki dono ko saath milke kaam karna hai. Management should work side by side with the workers, helping, encouraging and smoothing the way for them. It means क्या है कि manager जो होंगे वो खाली नहीं बैठेंगे काम assign करने के बाद, they will also work side by side with the workers. उन्हें help करेंगे, encourage करेंगे ताकि काम और easy हो पाए। और इसी style को जो manager और worker जब साथ साथ मिलके काम करते हैं business organization को, तो उस style को बोला जाता है paternalistical style of management, whereby the employee take cares of need of the employee. So इस style के according जो manager होता है वो अपने workers के role को बहुत अच्छे तरीके से identify करता है, उनकी need को भी identify करता है और उनको fulfill करने में उनकी help करता है। तो ये था हमारा cooperation not individualism. अब हम बात करेंगे हमारे last principle, development of each and every person to his or her greater efficiency and prosperity. ये प्रिंसिपल इस बात पे फोकस करता है कि जब एक वर्कर एक ऑर्गेनाइजेशन में आता है और वो एक काम करता है बार बार, तो उसका एक लेवल जो है वो बन जाता है और उस लेवल को अपर लेवल तक ले जाने के लिए हमारे मैनेजमेंट टीम को कोई ना कोई काम जरूर करना चाहिए। उसकी एफिशिएंसी को ग्रेटेस्ट लेवल तक, हाईएस्ट पोटेंशियल तक लेके जाना बहुत जरूरी है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, the efficiency of each and every person should be taken care of right from his selection. It means kya hai ki select karne se ke baad har employee or worker ki efficiency ke bare mein bahut acche se khayal rakhna chahiye. A proper arrangement of everybody's training should be made. Unki potential ko, unki efficiency ko improve karne ke liye
हर वर्कर के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन अरेंज करना बहुत जरूरी है. इट इंप्लाइज डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ ऑल पर्संस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर देयर साइंटिफिक सिलेक्शन एंड असाइनिंग वर्क सूटेड टू देयर टेम्परामेंट एंड एबिलिटी. तो इस प्रिंसिपल में बात की गई है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इन दी ऑर्गेनाइजेशन टू रीच हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. सो जितनी भी कॉम्पिटेंसी है एक पर्सन में, उस कॉम्पिटेंसी को डेवलप करना मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल रहेगा. दिस विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय यूटिलाइजिंग द स्किल ऑफ वर्कर्स टू द फुलेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट. इट शुड ऑल्सो बी टेकन केयर दैट ईच इंडिविजुअल शुड बी अलॉटेड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज और हर एबिलिटी एंड इंटरेस्ट. तो अगर हमें हर वर्कर की फुल पोटेंशियल तक पहुंचना है, उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक पहुंचना है, तो डेफिनेटली हमें हर इंडिविजुअल को काम अलॉट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी इंटरेस्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. और एक केयरिंग एटीट्यूड हमें डेवलप करना पड़ेगा अपने वर्कर्स के बीच में, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उनके बीच में क्रिएट करनी पड़ेगी. तब जब तक वो अगर अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं मानेंगे, तो जब तक नहीं समझेंगे कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में उनका बहुत बड़ा रोल है, तब तक वो अपनी एफिशिएंसी के ग्रेटेस्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे. तो मैनेजर का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर कि हमारे ईच एंड एवरी वर्कर की जो ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी लेवल है वहां तक पहुंचा जाए. तो ये था हमारा 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स गिवन बाय FW टेलर.